नमस्कार जी, ये जगह की लोकेशन है, यह है भीमताल का एरिया। नैनीताल से अप्रोक्सीमेटली 40-50 किलोमीटर्स दूर है। और ये है मेरे साथी मित्र अक्षित जी, जिनके लिए मैंने ये ऑर्गेनिक टोपी बनाई है। पर्टिकुलरली इस टाइप की टोपियाँ जो होगी, जहाँ पे भी हमारे पास इस टाइप की चौड़ी पत्तियों वाली प्रजाति की वनस्पति हो और जिस जगह में बहुत ही तेज धूप गिरती हो, वहाँ पे हम इस टाइप की चौड़ी पत्तियों का यूज़ करके, इस टाइप के ब्रॉड लीव्स का यूज़ करके हम इस टाइप की टोपियाँ बना सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान तरीका है इनसे बनाना। मेरे एक साथी मित्र भी यहाँ बैठ के, ये है गजेंद्र सिंह जी, हेलो। जो मैंने ये टोपी बनाया उससे देख के ये भी अब अपने लिए इस कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए बना रहे हैं। इसको ये देखिए किस तरह से बनाया है। ये है बोहिनिया का स्पीसीज, बहुत ही चौड़ा। तो धीरे धीरे इनकी पत्तियों को इकट्ठा करके जोड़ा जा रहा है। एक एक पत्तियों को जोड़ने के लिए हमने कोई कांटे वाटे का इस्तेमाल किया, बल्कि यहाँ पे ये जो घास उग रखी है इन्हीं की टहनियों का इस्तेमाल किया था। पर आप जो टहनियाँ इस्तेमाल करोगे इस तरह से, इस ग्रास में ये जो है, मतलब इसकी स्टेम कह सके ग्रास की, तो ये थोड़ी सी नाजुक नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप उसको तोड़ेंगे तो इसके जो बेस है, मतलब यहाँ से नीचे वाला पोर्शन, ये हार्ड रहता है थोड़ा सा, मतलब मजबूत, जो इजीली मतलब विलीप से पास हो सकता है आर पार। तो हम इस टाइप की छोटी छोटी ये तोड़ के घास को इस तरीके से जोड़ सकते हैं। गजेंद्र जरा दिखाएगा किस तरह से आपने जोड़ा है इसे। एक मिनट, हाँ देखिए कितनी बेहतरीन तरीके ये कला है बनाने की। ये देखिए वो घास की पत्तियाँ किस तरह से आपने लगाई है, ये देखिए आपने देख सके उनकी उंगली के पास में ये घास की इतने लगाई है ये। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ये काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम है हमारा। यहाँ पे हमने 2 हेक्टेयर एरिया प्लांटेशन किया हुआ है, जिसमें हमने चारा एवं लकड़ी की अलग अलग प्रजातियों को उगाया गया है। और अभी हमारा यहाँ पे फेंसिंग का काम हो रहा है। ये मेरे साथी मित्र अक्षित जी है, जिनके लिए ये टोपी बनाई है। देखिए बेसुमार कितना अच्छा लग रहा है ये टोपी। देखिए उनका पूरा चेहरा, कान वान तेज हवा से पूरे प्रोटेक्टेड है, और धूप से बचने के लिए उन्होंने आगे की साइड भी लगाया और उसमें आगे एक और ग्रास लगा रहा है मॉडिफाइड का, जिससे हेलमेट की तरह वो तेज हवा में भी न उड़े, इस तरीके से ये बना रहे हैं। अक्षय जी, जरा आप इसके बारे में कुछ कहना है, कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? बिल्कुल यकीन मानिए, इसमें ऐसा लग रहा है मानो कि एयर कंडीशनर मेरे चारों ओर लगा है। बहुत ही अच्छी इसमें हवा हमको लग रही है, धूप बिल्कुल नहीं लग रही है। तो आप आर्टिफिशियल टोपी को प्रीफर करना चाहेंगे या इको फ्रेंडली कैप को प्रीफर करना चाहेंगे? बिल्कुल हम इस इको फ्रेंडली कैप को प्रीफर करेंगे, जो कि पहाड़ों में काम आ सकती है। भले ही ये ड्यूरेबल ज्यादा नहीं है, बट ये है कि धूप से आपको निश्चित तौर पर यह बचाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो मेरे को लग रही है ये इको फ्रेंडली भी है और कॉस्टली भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आप। तो इस टाइप की जहाँ पे भी आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, चौड़ी पेड़, और ये हिली एरिया है, नॉर्दर्न एस्पेक्ट है और यहाँ पे धूप एकदम साउथर्न एस्पेक्ट है, साउथ वेस्ट एस्पेक्ट है। नॉर्दर्न एस्पेक्ट में धूप बहुत ही कम आती है, तो आप दोपहर के बाद इस टाइप के एस्पेक्ट के ऊपर बचने के लिए कर सकते हैं। वैसे देखे तो यहाँ का नजारा काफी सुंदर एवं ब्यूटीफुल है। सामने जो दिख रहा है झील टाइप का, वो है भीमताल झील। और ये पूरे पहाड़ी में देखिए चीड़ का फॉरेस्ट काफी डोमिनेंट है। तो यहाँ पे काफी पूरे दिन भर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द डेज काफी शाइनी वेदर रहता है। बट यहाँ का क्लाइमेट जो है काफी यूनिक है, कभी भी इसमें परिवर्तन आ सकता है। मतलब ये अभी क्लियर सनशाइन टाइप का दिख रहा है, बट आधे घंटे बाद क्लाउडी वेदर भी हो जाता है। तो यहाँ एक घूमने के लिए काफी अच्छा स्थल है ये। एक्चुअली ये जो हमने साइट क्लीन की है ये प्लांटेशन के लिए, इसमें हमने अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए हैं। जैसे ये हमारा सिस्बानिया है, सिस्बानिया ग्रैंडी फ्लोरा, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें एक सेल्टिस भी लगाया हुआ है ये हमने। इवन सामने वाली जो हमारी हिल्स है वहाँ पे हमने बोहिनिया और ग्रीविया की स्पीसीज लगाई है। इवन हमने ये हिल्स में नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस किया, वो सेलिक्स। अब देखते हैं इसकी किस तरह से परफॉर्मेंस आती है। वो हमने सबसे टॉप में लगाई है, और बीच में भी हमारा एक प्लॉट है सेलिक्स का, ये सामने में है यहीं पे। देखिए मेरे को लग रहा है मेरे साथी मित्र ने काफी हद तक अपने कैप का काम बना लिया है, जो उनके लिए इस धूप से बचाने के लिए इनको काफी काम आने वाले हैं। अभी एक्चुअली शेप को देखते हैं, आप में लगता है कि ये कैप नहीं बल्कि खाने की थाली की तरह लग रही है।
तो इस तरह हम इसको खाने की ताली की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहो तो आप माथे पे रख देंगे आपको धूप से भी बचाएगी ये। तो उसमें साइड में दो पत्तियां ऐसी चौड़ी वाली वो और लगा देंगे तो और अच्छे से वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अभी ये पहले बोले कि हम थाली बना के दिखाते हैं पत्तल। गजेंद्र जरा इस थाली के बारे में आप बताना, एक मिनट उठाइएगा, एक मिनट जरा उठाइएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके बारे में। हमें लगता है कि ये जो थाली है ये काफी इको फ्रेंडली है। आज जो हम प्लास्टिक प्लेट के लिए भाग रहे हैं, हमारे देश में प्लास्टिक पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट और सबसे अच्छा है, पर्टिकुलरली जो जंक फूड वाले यूज कर रहे हैं उनके लिए इस टाइप के हमें ज्यादा इनिशिएटिव लेनी चाहिए और इस टाइप के इको फ्रेंडली प्लेट्स बना के यूज और अच्छे तरीके से। ये तो इन्होंने हैंडमेड बना दिए 5 मिनट में ही, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो हमें इस टाइप की इको फ्रेंडली थालियों की आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि इस टाइप की जो प्रजाति है, मल्टीपर्पज कह सकते हैं हम, इवन हमारे खाने के लिए भी कि थालियों की तरह भी काम है और एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है। ये पत्तियाँ सारी बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है, कांटे भी नहीं है और इजीली ग्रो कर जाते हैं ये कहीं पर भी। तो आज के वीडियो में इतना ही। माई सेल्फ रातव दिग्विजय, होप सो यू एंजॉइंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, से फ्रेंड्स बाय टू आवर यूजर्स, प्लीज आप ही बाय बोले, ओके नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और अच्छी पेशकश के साथ और एक नई चीज इनोवेटिव आइडिया के साथ, ओके बाय फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।